हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सिमर और आरव का प्यार परवान चढ़ रहा है, दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। और बीते दिन एक सीन में दिखाया गया था कि सिमर और आरव पूजा करते माता के दरबार में खड़े हुए हैं। माता के आगे सिर झुकाए सिमर नजर आ रही थी। सिमर अपने परिवार और आरव के परिवार के लिए दुआएं मांग रही थी। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि इस दौरान पंडित जी ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। क्या कुछ कहा है पंडित जी ने सिमर और आरव को साथ में देखने के बाद, चलिए आपको बताते हैं। पंडित जी की माने तो वो कहते हैं, बहुत दिनों बाद इतनी भक्ति और प्रेम देखा है कि दिल प्रसन्न हो गया। बेटा, जिस तरह से तुम अपनी बीवी को देख रहे थे और उसके हर एक दर्द को महसूस कर रहे थे, और बिटिया, जिस तरह से तुमने अपने पति को देखकर अपने दर्द के आंसू मुस्कुराकर छिपा लिए ताकि उन्हें कोई दर्द ना हो, इसे खरा और निर्मल प्रेम कहा जाता है। ये मेरा दिल कह रहा है, माता रानी ने तुम दोनों की जोड़ी बड़े ही प्यार से बनाई है। ये लो बेटा, जिस माता रानी ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, आज उन्हीं के दरबार में अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर के उनका धन्यवाद करो। ये तमाम बातें पंडित जी ने सिमर और आरव को कही हैं, और सिमर और आरव पंडित जी की ये तमाम बातें सुनकर बेहद खुश हो गए। बता दें कि सिमर माँ के दरबार में खड़ी होकर रोती नजर आ रही थी। वो बेहद भावुक दिखाई दे रही थी, वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बेहद खुश है कि उसकी ज़िंदगी में आरव है और वो आरव की पत्नी बनी है, आरव जैसा पति उसे मिला है। इसी का धन्यवाद करने के लिए माता के दरबार में पहुंची है सिमर। फिलहाल आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। इस वीडियो में इतना ही।